तो गाइस आज के इस वीडियो में हम डी डी फ्री डिश पर इंटर 10 बांग्ला चैनल को कैसे ऐड करते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी लेकर आए हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 348 नंबर पर इंटर 10 बांग्ला चैनल आपको देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों इस चैनल को कैसे ऐड कर सकते हैं, दोस्तों ये बहुत ही सिंपल सा ट्रिक्स है। अगर दोस्तों आपको ये चैनल ऐड करना नहीं आता तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपको बहुत ही आसान तरीके से इंटर 10 बांग्ला चैनल को ऐड करना दिखाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आपसे एक गुजारिश है, अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों अभी कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों आपको क्या करना होगा, किसी भी चैनल पर चले जाना है। तो देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर कॉपीराइट के इश्यू ना आए इसलिए इस बंद चैनल पर आ चुका हूँ। अब दोस्तों आपको क्या करना होगा, सिंपल सा मेनू बटन को दबा देना है। मेनू बटन दबाने के बाद दोस्तों आपको प्रोग्राम सेटअप जो दिख रहा है इस पर आपको चले जाना है। यहाँ पर जाने के बाद आपको सिंपल सा ओके प्रेस कर देना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको अलग अलग फाइल्स दिखने को मिल जाती है। अब देखिए दोस्तों, आप चाहो तो यहाँ पे ऑटो स्कैन है, इस पर आप दो बार क्लिक कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको अगर एक ही चैनल चाहिए तो दोस्तों आपको एड न्यू प्रोग्राम के अंदर चले जाना है। तो देखिए दोस्तों हम क्या करते हैं, एड न्यू प्रोग्राम के अंदर ओके कर देते हैं। अब सब्सक्राइब नाउ And press the bell icon. अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो फ्रिक्वेंसी दिखी जा रही है दोस्तों, आप इन फ्रिक्वेंसी को अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे LNB फ्रिक्वेंसी 0.49 से 0.49 आपको रख लेनी है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों आपको जो ट्रांस फ्रिक्वेंसी ये थोड़ी सी आपको चेंज करनी है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या फ्रिक्वेंसी चेंज करनी है, ये आपको 0.33/48 कर लेना है, ठीक है दोस्तों। 0.33/0.3348 आपको यहाँ पे डाल देना है। और सिंपल रेट के अंदर दोस्तों आपको 29,510 कर लेना है। तो देखिए मैं यहाँ पे 29,510 कर लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। दोस्तों ध्यान रहे, जो फ्रिक्वेंसी आपको दिखाई जा रही है यही फ्रिक्वेंसी आपको एंटर करना है, तभी आपकी डीडी फ्री डिश पर इंटर 10 बांग्ला चैनल ऐड हो पाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे पोलरिटी आपको वी रखना है। अगर आपका एच है तो दोस्तों आपका यहाँ पे सिग्नल नहीं आएगा, आपको यहाँ पे हमेशा वी सिग्नल पोलरिटी रखना है। 22 के आपको यहाँ पे ऑफ रखना है और डिस्क क्यू सी आपको यहाँ पे LNB 2 कर लेना है। तो देखिए मैं यहाँ पे LNB 2 कर देता हूँ, ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और जो मोड है दोस्तों आपको यहाँ पे ऑल रखना है। अब देखिए दोस्तों, जब आप फ्रिक्वेंसी टोटल कर लेते हैं, ये दोस्तों हमारी जो फ्रिक्वेंसी एकदम टोटल कम्प्लीट हो चुकी है। लेकिन दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आप फ्रिक्वेंसी कम्प्लीट डाल देते हैं तो आपके जो सिग्नल की क्वालिटी है वो कम से कम 40 से ऊपर आनी चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, मेरे यहाँ पे 63 आ रही है, तो दोस्तों कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब दोस्तों अगर आपके सिग्नल नहीं आ रहे हैं तो दोस्तों आपका यह चैनल ऐड नहीं होगा। और अगर आपके सिग्नल की क्वालिटी पूरी आ रही है 40 से ऊपर, तब दोस्तों आपका यह चैनल ऐड हो जाएगा। अब दोस्तों आपको क्या करना होगा, सिंपल सा यहाँ पर फ्रिक्वेंसी डालने के बाद ओके प्रेस कर देना है। अब जैसे ही आप ओके प्रेस करेंगे दोस्तों, आपके डीडी फ्री डिश पर यह चैनल आसानी से ऐड हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, हमारे डीडी फ्री डिश के अंदर टोटल चैनल है ये ऐड हो चुके हैं 457। यहाँ पर देखिए दोस्तों 456 पर ये चैनल फिर से ऐड हो गया है। तो दोस्तों बहुत ही आसान है ना इस चैनल को ऐड करना। तो दोस्तों इस तरीके से आप भी ऐड कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। Subscribe now and press the bell icon.